बाकी बातें पीने बात ढूंढो 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 बाकी बातें पीने बात पानी नहीं पीने आया अभी हमें बाकी बातें फिर सूसू के बाद हो जाएगा अभी नहीं पियेंगे मेरे यार मेरा प्यार है जहाँ है ये निके निके शॉट्स ये निके निके शॉट्स सोच पे खरोच नहीं सौ पी गया मैं ये निके निके शॉट्स ये छोटे छोटे शॉट्स मैं मेरे यार मेरा प्यार है जहाँ है ये निके निके शॉट्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिर्ची और मैं हूं आजाद सिपाही चैनल से रिपोर्टर रवि। पानी के निक्के निक्के शॉट्स बना के पी गए जो, वो है मिस्टर अर्जुन कानुनगो। और ये सिंगर हैं और ये एक्टर हैं और तो और ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, ऐसा हमने विकिपीडिया पढ़ा था। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि मतलब ये जो आप जीन्स वीन्स लेते हैं ये अपने आप एंकल लेंथ बन जाती है कि मतलब हाइट की वजह से ऐसे क्या? मुझे मेरे साइज की जीन्स मिल जाती है। मिल जाती है बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो अच्छा दूसरा सवाल मैं पूछूँ आपसे, लेकिन बाकी बातें पीने बात एक सेकेंड। एक बात बताइए, एक दफा बात करेंगे आपके एक दफा सॉन्ग की, वो जो उसमें वो गर्मा गर्म सीन होते हैं उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है या अपने आप ऐसा हो जाता है फील के साथ? वो मुझे याद नहीं है एक्चुअली। नहीं हमारे साथ क्या कभी होता नहीं, हम जिसके पास भी जाते हैं हमें दूर कर देती है वो लड़की, हमें समझ नहीं आता। तो अच्छा एक बात आपसे ये प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा ये पूछना नहीं चाहिए, ये पूछना नहीं चाहिए ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हो, आपसे पूछेंगे ये जो आप गाने बनाते हैं इसमें ना बड़ी खूबसूरत खूबसूरत आप लड़कियाँ लेते हैं, तो मतलब इसमें क्या मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट है या फिर मतलब आपकी किस्मत अच्छी है और आपको मिल जाती हैं ये चीज़ें? मतलब आप अच्छी लड़कियाँ को देख के खुश नहीं होते वीडियो में? नहीं बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम हमें देख के वो खुश नहीं होती है ना। आपकी खुशियाँ के लिए कर रहे हैं, हमारी खुशियों के लिए। अरे क्या बात है, इतना तो कभी किसी ने नहीं सोचा। अच्छी फोटो है, फैमिली फोटो हो गई तो ठीक है। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछेंगे कि ये जो आपकी फैन फॉलोइंग है लड़कियों के बीच में, ये अगर आजाद सिपाही को भी अगर बढ़ानी हो लड़कियों के बीच में तो कैसे बढ़ाएं, उसका एक मतलब टिप दे दीजिए आप। मैं तो कहूँगा आप जो कर रहे हो वही करो, ऐसा करते रहे। आपकी नीयत में तो मुझे लग रहा है कि और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। ध्यान से देखिए इस लड़के को, कह दिया इन्होंने कि हमारे नसीब में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, अगर कभी आएंगी तो हम इनको जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछेंगे कि आपका जो गाना है वो बारिशें, मौसम विभाग से कह दें कि हमारे जयपुर में बारिश नहीं हो रही है, अब आप आए शायद बारिश हो जाएगी। हो जाएगी, हो जाएगी। अभी हमारे बॉम्बे में भी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी तो जैसे गाना आया बारिश होने लगी। बिल्कुल ठीक है। दो दिन बाद गाना हिट होने में तो दो दिन लगते हैं, तो बस दो दिन बाद बारिश होने लगी। अच्छा ठीक है, बात बताइए कि मतलब ये जो गाना है आप क्या सोच के बनाते हैं, मतलब क्या ऐसा क्या हो रहा है? सोच के तो बनाता नहीं है, जो महसूस होता है ना अंदर से, जो जिंदगी में चल रहा है वो मूड में बना के गाना। अच्छा तो आपने ये गाना बनाया है वो बारिश है जिसमें काफ़ी सारी बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं आपके बाल भीग रहे हैं, आप मतलब आप भी भीग ही रहे हैं, लेकिन हम भी पूछना चाह रहे हैं प्यार में भीग रहा हूँ भाई, प्यार में भीग रहे हैं ठीक है। तो वो जो आप भीग रहे हैं तो मतलब आप बचपन में भी भीगे होंगे काफ़ी ज़्यादा बारिश में? क्यों पूछ रहे हो मैं? नहीं हम आप ऐसा हमारे सवाल का मजा खराब कर दे रहे हैं, जवाब तो दीजिए कि आप बचपन में बारिश में भीगे कि नहीं भीगे? बिल्कुल। तो मम्मी ने क्या आपको कभी कहा कि बेटा नाले वरना कल बदन में खुजली हो जाएगी? नहीं मैं है ना जब बारिश में मैं फुटबॉल खेलता था, अरे तो मेरे वाइट शर्ट जो है ना जैसे अभी मैंने वाइट पहना है तो वो ब्राउन कलर के आते थे वापस। ओके जितना भी निर्मा डालो सर्फ एक्सेस डालो वो दाग कुछ नहीं होता नहीं है कुछ मतलब तो कुछ वो दाग अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा अभी आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, एक जनता बहुत उत्साहित है कि आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या करेंगे अब आप आगे, क्योंकि ये गाने तो आपके हिट होते जा रहे हैं। मुझे है ना एक्चुअली मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए एक बंदा चाहिए, तो आप क्यों नहीं आ जाते हैं? मैं ये पूछने वाला था, आप देख लीजिए अगला सवाल लिखा हुआ है कि अगर आप अगला वीडियो बनाएंगे तो क्या उसमें आप मुझे लेंगे कि नहीं लेंगे? तो मैंने मुझे पता है, मुझे मैंने महसूस कर लिया था कि आपको आना है। पक्की बात है? हाँ जी हाँ। देख लीजिए ये सबूत है, और आपका आजाद सिपाही बड़े बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको लड़कियों के साथ, कभी खूबसूरत लड़कियों के साथ। कभी घमंड नहीं किया इस बात का भाई ने, आपके साथ ही ऐसे वीडियो बनाता रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। हमारी मम्मी आज खुशी से पगला रही होंगी, अभी थाली वाली गिर गई होगी, दिया भी अब बुझ गया होगा अभी उनके हाथ से, हमें पता है कितनी खुशी है, कभी हमने ऐसा देखा नहीं। पिछली बार मिले थे उनसे बड़े स्टार से, उन्होंने कहा था कि तुम्हें लेंगे, लेकिन वो कह के चले गए। अच्छा लेकिन आप भी कह के चले तो नहीं जाएंगे? इंटरव्यू कभी खत्म हो रहा है? अरे ये अभी खत्म हो जाएगा, आप बताइए, अभी सवाल है हमने पूछ लिया है, वो इसने पूछ लिया। नहीं 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 जाएंगे, नहीं जाएंगे। अच्छा चलिए बाकी बात पीने बात। अच्छा अगला सवाल आपसे हमारा ये है कि जब आप गाना बनाते हैं
जब आप गाना बनाते हैं तो जैसा आपका एक गाना था ये आप कहाँ से लाते हैं, मतलब ये आपको कोई ऐसा दोस्त यार है जो बनाता है या आप खुद बनाते हैं या क्या होता है, ऐसे कहाँ से आता है ये? बाकी बातें पे नहीं तो अब आपको खत्म हो गया, अब आप नहीं कह सकते बाकी बातें पीने वाले। आप आपके ग्लास में से पी लूंगा नहीं, तो बाकी बातें पीने वाले। हमारी गंदी आदतें आ जाएगी आप में, अब आ जाएंगे देख लीजिए। देखो रिप्लेस भी हो गया एक बार। अरे ये तो आपके इतने बड़े आदमी हैं, हमारा कौन रिप्लेस करेगा, हमारा कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए हम धीरे धीरे पी रहे हैं। हमें अक्ल है, हमें पता हमें बेइज्जती हो जाएगी वीडियो में, इसलिए हम धीरे धीरे पी रहे हैं। बाकी बातें पीने बात धुन ये कहाँ से आता? ऐसे मत करिए प्लीज बताइए, प्लीज बता दीजिए, ये ऐसा नहीं करिए प्लीज बता दीजिए। वो तो नहीं नहीं अभी मैं पानी पीने नहीं दूंगा आपको अभी नहीं पीने दूंगा, बताइए। वो दिल से आ जाती है यार, वो धुन जो आती है ना अंदर से, किधर से वो निकल के आती है पता नहीं, वो उसका आपको मैं जवाब नहीं दे सकता। वो गाना नहीं था एक दफा, हाँ जी है ना, और फुर्सत तो वो फिर से एक दफा आ गए वापस। वो वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे, हाँ बहुत अच्छा लगा था उसमें कुछ हुआ था, मैं वही रिपीट पे देखा था हमने वीडियो, अभी जब इंटरव्यू भी प्रिपेयर कर रहा था तब मैं रिपीट पे देख रहा था। वो क्या बोलते हैं, मतलब वो जैसा वो एक दफ़ा और ये जो फुर्सत गाने हैं, तो ये जो आप बनाते हैं तो क्या आपको ऊपर से भी कभी कभार ऐसा जैसे अभी मैंने वीडियो किया तो मुझे पता है कि आप इस वीडियो को रिपोस्ट कर देंगे और ये वायरल हो जाएगा, ये तो मेरे को पता है। तो जैसे आपको भी ऐसे लोग ऊपर मतलब ऐसा सपोर्ट कर दें कि खाली आप अकेले कर रहे हैं? सपोर्ट तो सबको मिलता है, अपने फैंस के मिलते हैं सपोर्ट, पेरेंट्स का मिलता है सपोर्ट, आपका मिलता है सपोर्ट। हाँ ये तो जोरदार बजाए की बात है, पीने बात है। अच्छा अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि एक बात बताइए, बाकी बात है पीने बात है, हम पीने ही नहीं है। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपके ड्रीम सिंगर कंपोजर कौन है जिनके साथ आप कभी आप हो यार? नहीं अरे हाँ आपने बना दिया धन धन धन, अरे ऐसे मत करिए वो बेइज्जती हो जाएगी, हमें लड़कियां अनफॉलो कर देगी आपके चक्कर में जो दो चार फॉलो करेंगे, ऐसे मत करिए। सबसे मुझे रहमान साहब के साथ काम करना है, और अभी जैसा वो जैसा आज किया था एक बार फिर से करना है, एक बार और करना है, नहीं एक बार नहीं दस बार दस सौ बार नहीं। जैसा हमारे साथ क्या होता, जैसा हमने कल उस दिन इंस्टाग्राम पे डाला कि अपने पहले चुम्मे की कहानी शेयर कीजिए क्योंकि अभी मैं वर्ल्ड किसिंग ने, तो हमें एक लड़की ने पूछा कि आपका कब हुआ था, हमने कहा कि जब हुआ था तब हमें समझ नहीं थी और अब जब समझ आ गई तब हो नहीं पा रहा है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही था कि जब हुआ था तब समझ नहीं थी और अभी जब आ गई है तब हो नहीं पा रहा है? फर्स्ट चुम्मा हाँ तो मेरा हुआ था जब मैं 5 साल का था, एक लड़की थी शिवानी मेरे स्कूल में थी। क्या बात है, 5 साल। अरे शिवानी तो लगती है रानी। हाँ जी वैसे ही हुआ था। तो फिर आपने उसको कहा था ऐसे हाँ? कि तू तो लगती है रानी। फिर सेकंड कब हुआ था? बहुत सालों लगे, 10 साल बाद हुआ सेकंड। 10 साल बाद हाँ। ये तो थोड़ा वक्त लग गया बहुत ज्यादा हमें, क्योंकि है ना मैं जब शिवानी ने मुझे किस दिया ना तो उसके बाद मैं बहुत शर्मा गया और लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाने लगे, शिवानी इज योर गर्लफ्रेंड। तो फिर आपने क्या बोला? तो मुझे मैं बहुत एम्बैरस हो गया था। तो फिर जैसे कैसे शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत भी मुंबई में ही से ही हुई है। म्यूज़िक की शुरुआत पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। मेरा एक स्टूडियो बना था बॉम्बे में, एक जगह है मलाड करके, आपने हाँ जी एक पर्सनल स्टूडियो बनाया, पर्सनल स्टूडियो बनाया, वहाँ पर बहुत सारे म्यूजिशियंस आए, उनसे मुझे सीखने का मौका मिला और इंडस्ट्री के बारे में जो राज थे ना वो पता किए मैंने, और धीरे धीरे मुझे इंस्ट्रूमेंट में सीखने लगा, गिटार सीखने लगा, पियानो सीखने लगा। फिर एक दिन आशा भोसले हाँ जी जी की बैंड वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एक हमें गिटारिस्ट की ज़रूरत है, आप ऑडिशन कर लीजिए। तो मैं गया था ऑडिशन के लिए और वहाँ पर ऑडिशन पे आशा जी भी थी, तो उनके सामने मैंने गिटार बजाया, उन्होंने कहा कि और गिटार बजाते बजाते मैं गाने लगा थोड़ा सा, तो आशा जी ने कहा बहुत बेकार बजाते हो गिटार, तो पूरा रूम ऐसे बजाया था और बजाना बंद कर दिया सब लोग ने। फिर तो मैंने कहा कि मैम कुछ और बजा लेता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जो गुनगुना रहे थे ना वो गुनगुनाओ। जैसे मैं कुछ गुना रहा हूँ याद नहीं है, बहुत साल हो गए। तो मैं गाने लगा गिटार के साथ, तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको गाना चाहिए, गिटार विटार छोड़ दो आप सिंगर बन जाओ। और उसकी वजह से मैं
उनकी वजह से मैं सिंगर हूँ आज। और बाकी बात पीने वाले। अगला सवाल मैं आपसे कि वो सलवार सवाल नहीं है, वो बेसिकली सलवार नहीं, वो सवाल ही है, वो मतलब फरमाइश है हमारी। ये एक लाइन हो जाए छोटी सी, बाकी बातें पीने बात की, पानी नहीं पीने। राते फरे भी रुक जा जरा सांस ले भी, है बेकसी तो मुझे भी, you be all over me, I'm be all over you, चाहे ये तू भी सारी सारी मेरी बेकरारी, कहती मुझे के आज डूब जाने दे, बाकी बातें पीने बाद भूल जा, बाकी बातें पीने बाद। मेरे यार मेरा प्यार है जहाँ है, ये निक्के निक्के शॉट्स, ये निक्के निक्के शॉट्स, सोच पे खरोच नहीं सौ पी गया मैं, ये निक्के निक्के शॉट्स, ये छोटे छोटे शॉट्स, मैं मेरे यार मेरा प्यार है जहाँ है, ये निक्के निक्के शॉट्स, ये नोटे छोटे शॉट्स, सोच पे खरोच नहीं सौ पी गया मैं, ये निक्के निक्के शॉट्स, ये छोटे छोटे शॉट्स। वैसे देखिए मतलब मैं गा देता तो मेरी आवाज़ ख़राब हो जाती, मन बहुत कर रहा था मैं भी थोड़ी एक लाइन हो, क्योंकि एक बार एक लड़की ने कहा था कि तुम भी गाते बहुत अच्छा हो, खैर छोड़िए, वो गई चली गई, रात गई, बात बाकी बातें भी नहीं। हाँ बहुत अच्छा आप कमांड संभाल रहे हैं हमारे, वरना हम भेज आते हैं ऐसे, अब इमोशनल हो जाते हैं। अरे अभी हम बाकी बातें फिर सूसू के बाद हो जाएगा, आप भी नहीं पियेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हुए, वो बारिश है जो गाना है, मतलब अभी आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितना जैसे सच्ची है, आपको कसम है लाल किले की अगर आपने झूठ बोला तो। इसने ऑलरेडी स्टेक्स डाल दिया कि यही होगा तुम्हारे साथ अगर झूठ बोलोगे तो। मुझे लगता है ये मेरा सबसे बड़ा हिट होगा, सबसे बड़ा हिट, मतलब कितने मिलियन चल जाएगा, जैसे 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, कितने चल जाए, कितने सालों में? नहीं अभी जैसे अभी मतलब एक साल में 100 मिलियन हो जाएंगे, एक साल में 100 मिलियन हो जाएंगे, नहीं 100 मिलियन से तो ऊपर हो जाएंगे सर, एक साल में 100 मिलियन, ये हमारे मेरा सबसे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा गाना जो हिट हुआ है ना यूट्यूब पे, सिर्फ हाँ, मतलब बाहर जो चलते तो अलग बात है, लोग डाउनलोड करके जो बजाते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पे मेरा एक गाना है लाला ला, हाँ वो सबसे ज्यादा हिट हुआ है, 75 मिलियन। भाई क्या है तो विकिपीडिया अपडेट कराइए, इतना हमारा क्या गलती है, विकिपीडिया आपको अपडेट करना चाहिए। 124 मिलियन। अरे भाई साहब एकदम गाली मार बात हो गई, बाकी बातें भी ना, ठीक ठीक है अभी बस जाते जाते हम लोग ऐसे बोलते हैं, जाते जाते तो मुड़ के फिर देख ले, ओके सॉरी, क्या बात है, मतलब यार हमसे सीख गए ऐसे कहाँ से बात को कहाँ कनेक्ट करना है। खैर अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, आपके बाप का कुछ नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, प्लीज बोलना लास्ट में, प्लीज। हाँ ठीक है, आप बोलिएगा प्लीज 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 प्लीज, हाँ प्यार से थोड़ा, 3 2 1 गो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, आपके बाप का कुछ नहीं जाएगा, प्लीज प्लीज कर दीजिएगा। और वो बारिश के बारे में भी एक बार बोलेंगे कि अगर वो बारिश गाना पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके बाप का कुछ नहीं जाएगा, प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच, यहाँ से भी प्लीज आया, अच्छा लगा।